तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो तेजस्वी यादव बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा? तो तेज प्रताप यादव बनेंगे। नेता विरोधी दल विधान परिषद में कौन बनेगा? तो राबड़ी देवी बनेंगी। राज्यसभा कौन जाएगा? तो मीसा भारती जाएंगे। मैं तो आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में लालू जी की बहू भी किसी न किसी सदन में पहुंचेगी या पार्टी की अध्यक्ष हो जाएगी। ये अहंकार है, ये वहम है नीतीश कुमार जी, इसको टूटना बहुत जरूरी है। आपके दिल में जो गहराइयों तक दलितों के प्रति ये नफरत बैठा हुआ है, महिलाएं सिर्फ आपके लिए बच्चा बनाने वाला मशीन रह गया है। जिस प्रकार का उनका जेस्चर था, जिस प्रकार का उनका व्यवहार था, ये सभ्य समाज में ऐसा होता है क्या? लेकिन साथियों, हमें समझना है, इनका ऐतिहासिक आकलन आप करेंगे। कुछ दिनों पहले मुझे अभी भी स्मरण है, तेजस्वी यादव जी क्या कहे थे, पशु पक्षी अनुसूचित जनजाति जनजाति का तो गिनती होता ही है, आप सबका गिनती कर दो। तो आपके दृष्टि में पशु पक्षी और अनुसूचित जाति जनजाति एक समान है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एससी एसटी जानवरों का गिनती तो होता है, तेजस्वी यादव जी का बयान है। साथियों, अब बहुत हो गया। ये नव सामंतवाद का जो चेहरा नीतीश कुमार जी ने समाजवाद और सामाजिक न्याय के नाम पे ओढ़ रखा है, तो मुझे मान्यवर कांशीराम जी याद आते हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि ये हरा गाच में छिपा हुआ हरा सांप है, ये सामाजिक न्याय की आड़ में छिपा हुआ सामंतवाद है। जब मौका मिला आपको, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो तेजस्वी यादव बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा? तो तेज प्रताप यादव बनेंगे। नेता विरोधी दल विधान परिषद में कौन बनेगा? तो राबड़ी देवी बनेंगी। राज्यसभा कौन जाएगा? तो मीसा भारती जाएंगी। आपके सामाजिक न्याय की परिभाषा आपके परिवार से प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे ही अंत होती है। मैं तो आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में लालू जी की बहू भी किसी ना किसी सदन में पहुंचेगी या पार्टी की अध्यक्ष हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, कितने दलितों को लालू यादव जी ने या जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा भेजा है? उत्तर प्रदेश की बात करिए, 3 दलित समाज की महिलाएं आज वहां मंत्री बनती हैं। गुलाब देवी जी हों, बेबी मौर्य जी हों, विजय लक्ष्मी जी हों, ऐतिहासिक रूप से 12 अनुसूचित जाति के मंत्री, 9 अनुसूचित जनजाति के मंत्री, 27 मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आज ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसलिए साथियों, हम सबको स्मरण रखना है कि जो नीतीश कुमार जी हरे गाच में छिपे हुए हरे सांप के तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय का चोंगा ओढ़ करके नव सामंतवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को रोक रहे हैं, नरसंहार करने वाली शक्तियों को संरक्षण कर रहे हैं। हम सबको सावधान रहना है साथियों, नीतीश कुमार जी के इस दलित विरोधी चेहरे से, महिला विरोधी चेहरे से, पिछड़ा विरोधी चेहरे से, और साथ साथ जो पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा वंचित समाज के लिए, हाशिए के समाज के लिए, उसका भी ध्यान रखना है। जब बिहार के विधानसभा के फ्लोर पे महादलित समुदाय से आने वाले, मूसर समाज से आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में रहे श्री जीतन राम मांझी जी के लिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया, आप सभी साथी इस बात से अवगत हैं, इसको कोई आइडिया है? इसको कोई सेंस है? ये शब्द थे उनके? साथियों, ये नव सामंतवाद का चेहरा है नीतीश कुमार जी, आज नव सामंतवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।